हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तुलसी और तुलसी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का टेस्टी एंड हेल्दी केक। इसको हम बिना ओवन के कुकर में बनाएंगे ताकि इसे हर कोई बना सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए 1 कप सूजी। मोटी सूजी हो या पतली सूजी हो, हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसे मैंने बारीक पीस लिया है। 1 कप सूजी के लिए हमें चाहिए 1/2 कप चीनी। चीनी को भी हम पीस लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। इसे भी हम सेम तरीके से माप लेंगे। एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इस सूखी मिक्सचर को अच्छी तरह से छान लेंगे। मेरे पास ये बड़ी सी छलनी थी जिससे मैंने छान लिया। आप कोई सी भी छलनी में छान सकते हैं। केक का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। इससे केक का टेस्ट बढ़ जाता है। नमक को आप स्किप मत करना। इसके बाद हम इसमें 2 बड़ी चम्मच मलाई डाल देंगे जो केक को बहुत ही मुलायम बनाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऑयल को मिक्स करते हुए इसमें थोड़ी थोड़ी करके दूध डाल देंगे। इसमें ज़रूरत के हिसाब से दूध डालेंगे और थोड़ा सा दूध इसमें डाल देंगे। इसका बैटर थोड़ा सा लिक्विड ही रहना चाहिए। कुछ टूटी फ्रूटी लेंगे और थोड़ा सा आटा इसमें मिक्स करेंगे ताकि पकने के बाद टूटी फ्रूटी नीचे बैठ ना जाए और कलर बनी रहे। अब टूटी फ्रूटी को केक के बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर को थोड़ा सा लिक्विड ही रखेंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल सके। देखिए इसका कंसिस्टेंसी कैसा है। बैटर को अब 30 मिनट के लिए फूलने के लिए ढककर रख देंगे। अब 30 मिनट हो चुके हैं। हम कुकर को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीज कर लेंगे। और आटा को अच्छी तरह से डस्ट कर लेंगे। आटा को अच्छी तरह से कुकर के चारों तरफ फैला लेंगे। अब गरम कुकर में बैटर को डाल देंगे। देखिए इसका कंसिस्टेंसी अब ठीक हो गया है। अगर बैटर ज़्यादा ठीक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं। अब आंच को धीमा कर लेंगे। डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर में डाल देंगे। कुकर की सीटी को हटाकर 20 मिनट के लिए कुकर को ढक देंगे। बीस मिनट के बाद देखिए इसका बीच का हिस्सा कुछ कच्चा दिख रहा है, तो हम इसको और 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद केक एकदम रेडी है। परफेक्ट कुक हो चुका है। इसमें चाकू डालकर दिखाती हूँ। देखिए चाकू एकदम साफ निकल आया है। इसका मतलब केक एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब इंडक्शन को बंद कर देंगे और केक को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब केक ठंडा हो चुका है। चाकू को ऐसे साइड में घुमा के साइड छुड़ा लेंगे और केक को ऐसे निकाल लेंगे।
अब इसे कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और स्पंजी भी बनी है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना और अच्छी लगे तो लाइक कर देना। देखिए ये कितना स्पंजी बना है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी है और मुलायम भी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।